हाँ जी बाबा, जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ को बड़ा हाथ दिखाए, क्यों बाबा? तो जो सारे जगत का नाथ है उसका आंख बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा ही होगा, तो बड़ा आंख दिखाए। भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो स्थूल में दिखाई हैं, और स्थूल में देखने वाले स्थूल में बनाते जाते हैं चित्र मूर्तियां, लेकिन बुद्धि में ये बात नहीं आती कि ये बेहद की बातें हैं। इन गुत्थियों को, बेहद की बातों को, बेहद के बाप के सिवाय कोई समझाए नहीं सकता है कि जगन्नाथ के बड़े आंख क्यों दिखाई जाते हैं। और यमुना काली नदी है, पानी कैसा होता है? काला काला पानी होता है। दिल्ली में आते आते ढेर सारे नाले गिरते हैं तो पानी बहुत काला हो जाता है। पानी का मतलब क्या है? जो ज्ञान है वो बहुत तामसी बन जाता है, जैसा संग वैसा रंग। वो नदी जड़ है या चैतन्य भी है? चैतन्य भी है, लेकिन चैतन्य नदी में बहुत से गंदे गंदे नाले गिरते हैं। सबसे ज्यादा नाले गिरते हैं दिल्ली में। तो जल कहो, ज्ञान जल कहो, बहुत ऐसा हो जाता है, काला हो जाता है। और गंगा है, गंगा का पानी निर्मल कहा जाता है, स्वच्छ जल कहा जाता है। तो गंगा में और यमुना में बहुत फर्क है। गंगा की मिट्टी चिपकने वाली नहीं होती है, और यमुना की मिट्टी है इतनी चिकनी होती है कि एक बार शरीर में मल लो तो फिर जल्दी छूटती नहीं है। मिट्टी माना क्या? देह अभिमान का भी संग का रंग लगता है ना, है? कोई बहुत देह अभिमानी का संग करे तो रंग कैसा लगेगा? देहभान बढ़ जाएगा, देहभान की मिट्टी बढ़ जाएगी या घटेगी? मिट्टी चिकनी हो जाएगी, चिपकनी हो जाएगी या छूटने वाली हो जाएगी? है, चिकनी वाली, चिपकने वाली हो जाएगी। एक बार चिपक गई तो बस चिपक गई। और गंगा की मिट्टी है, गंगा की मिट्टी ऐसी बालू होती है कि चाहे जितना बालू कितनी भी बार लगा दो, थोड़ा पानी डाला और सब सब धुल जाती है। यमुना सीधी दक्षिण की ओर गिरती है, और गंगा सीधी दक्षिण की तरफ नहीं जाती है। थोड़ा थोड़ा अपने को काट लेती है, पूरब की ओर जाती है ज्यादा। और है सरस्वती नदी की विशेषता यही है, बीच में आती है और बीच में चली जाती है। बेसिक में भी ओम राधे सरस्वती आदि में आई थी या बीच में आई थी? बीच में आई और बीच में ही चली गई। और एडवांस में भी जगदम्बा सरस्वती बीच में आती है और बीच में ही गुप्त हो जाती है। तो कहां यादगार दिखाते हैं?
है अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद में उत्तर की ओर गंगा, दक्षिण की ओर जमुना और बीच में सरस्वती नदी दिखाते हैं, जो दोनों को अलग अलग कर लेती है। और गोदावरी कृष्णा नदी गोदावरी कृष्णा है। अच्छा, गोद में समेटा होगा, जिनको गोद में एक बार समेट लिया छटपटाता रहे लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। क्या गोद बहुत बड़ी होती है या छोटी होती है गोदावरी की? राजामंड्री में जाके कभी देखा है? बहुत बड़ी गोद होती है। और कृष्णा नदी, कृष्ण की कृष्णा है, भक्ति मार्ग में कृष्ण का गायन है ना, तो उसकी पुत्री का भी गायन होगा है, तो पुत्री कृष्णा दिखाती है। एक एक शक्ति उसके पीछे में एक एक शक्ति, एक एक माने शक्ति, प्रत्येक शक्ति उसके पीछे अथवा पास में काल भैरव की मूर्ति दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? है अरे कालों का काल महाकाल कौन है? है कोई है या नहीं है? है तो वो उसकी रक्षा में रहता है, बॉडीगार्ड है। और तो बॉडीगार्ड किधर रहेगा? आगे रहेगा कि पीछे रहेगा? पीछे ही रहेगा। पास में रहेगा या दूर रहेगा? पास में ही रहेगा। और क्या क्या? युद्ध स्थिर ब्रह्मा बाबा, युद्ध स्थिर है। या जब परीक्षा आई माया की तो हार्ट फेल हो गया है? बोलो, है हार्ट फेल हो गया, परंतु एक ही शरीर में दोनों हैं। क्या एक ही शरीर में युधिष्ठिर भी है, वो भी पार्ट बजाता है, और उसी शरीर में भयंकर पार्ट बजाने वाला भी है, कालों का काल महाकाल। इसलिए कभी कभी गलत फहमी हो जाती है। और इलाहाबाद में मेला होने जा रहा है, हो रहा है कि हो गया? हो गया। फिर कनेक्शन होता है? कनेक्शन सबका होता है भक्ति मार्ग में। क्यों अभी हो रहे ना कि तो कुछ कारण से ये ज्यादा बड़ा मेला है? हाँ, अभी तो यूपी का जो प्राइम वो चीफ मिनिस्टर है वो नौजवान है, तो बड़े उमंग उत्साह से काम कर रहा है, तो बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं। भक्ति मार्ग के प्रबंध ज्यादा हैं या ज्ञान मार्ग के? है भक्ति मार्ग के हैं, तो ब्रह्मा का और यह को भी बहुत
स्थान दिया है विशेष। और कर्म बोला है, सबसे ज्यादा दुनिया में शिव बाबा का ज्ञान कौन सुनता है? मुरली में बोला है कि शिव बाबा जो सुनाते हैं सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। तो बड़े कान वाला हुआ ना, है? बड़े कान वाला कौन सा जानवर होता है? हाथी होता है। तो वो सिर्फ गणेश का ही पार्ट है या वो सिर्फ करण का ही पार्ट है या गणेश का भी पार्ट है? गणेश का भी पार्ट कहो, बढ़िया, बड़े कान वाला। और कर्ण माने क्या होता है? कर्ण माने कान। काम के आधार पर नाम दिया जाता है। तो जिसने ईश्वर के ज्ञान को बहुत सुना, समझा हो या ना समझा हो, लेकिन सुना बहुत, उसका नाम क्या पड़ गया? कर्ण पड़ गया। और कर्ण सबसे बड़ा पांडव था या छोटा पांडव था? बड़ा भाई था या छोटा भाई था? तो सबसे पहले यज्ञ में है या बाद में है? पहले। और दूसरी बात, कर्ण ने कौरवों का साथ दिया या पांडवों का साथ दिया? तो ब्रह्मा बाबा किसका साथ दे रहे हैं? है? कौरवों का ज्यादा साथ दे रहे हैं। अगर एडवांस पार्टी में पांडवों का साथ देते भी हैं तो वो गुप्त रहता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए उनका कर्ण का पार्ट भी है। और भक्त करना भक्त है तो भक्ति मार्ग के सभी भक्तों के नाम उठा लो और कापी में लिख लो और एक एक भक्त के बारे में पूछते रहो, ये कौन है या उनका काम क्या है। लेकिन बाप दादा ने बताया है, बाप दादा एक एक का पार्ट बैठ करके नहीं बतावेंगे, क्या बोर्ड पर नहीं लिख करके देंगे, कागज पर लिख कर नहीं देंगे, हरेक को अपने आप अपने पार्ट का साक्षात्कार होगा, बुद्धि का साक्षात्कार होगा और स्वयं स्वयं के पार्ट को डिक्लेयर करेंगे। राम वाली आत्मा होगी तो स्वयं ही अपने मुख से अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी, कृष्ण वाली आत्मा होगी तो स्वयं ही स्वयं के पार्ट को डिक्लेयर करेगी, गंगा की आत्मा होगी तो स्वयं ही अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। बाप दादा नहीं बतावेंगे तो हम क्यों बतावें। और भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर को माघ मास बहुत पसंद है। कौन सा मास? माघ मास। ये अंतिम मास है या पहला मास है? है? पहला मास है, अंतिम मास है। पहले मास का नाम हिंदी में क्या है? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक और माघ मास।
अंतिम मास है तो अंतिम मास अंग्रेजी के कौन से महीने में आता है? है फरवरी अभी माघ चल रहा है, है? माघ मास ये अंतिम महीना क्यों है? क्योंकि जो अंत में पार्ट बजाने वाला है, अंत में प्रत्यक्ष होने वाला है, उसका पार्ट है। यज्ञ करते हैं तो अंतिम आहुति किसकी होती है? शंकर की अंतिम आहुति होती है। तो अंतिम आहुति आएगी तो शंकर जी को आनंद आएगा या नहीं आएगा? है, आनंद आता है तो उनको बहुत पसंद है। और है मुरली सुनने के समय मेरा आंख बंद हो रहे, उसका कारण क्या है? भक्ति मार्ग के जन्मों में आपने जहाँ जहाँ भक्ति होती होगी वहाँ उनको विचलित किया होगा, भक्तों को, तो उसका रिजल्ट आता है क्या कि आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद हो जाती हैं, नींद भी आ जाती है, है? आंखें बंद होती है, नींद नहीं आती। अच्छा, ब्रह्मा के हाथ में वेद दिखाए हैं, चारों हाथों में दिखाए हैं या अलग अलग हाथों में? अब एक हाथ में दिखाए हैं, एक हाथ में सिर्फ वेद की बात नहीं है, सभी वेद शास्त्र दिखाए हैं। जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे और कोई एक मूर्ति है, एक और भक्ति मार्ग का चित्र है जिसके हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। क्या है? रावण का चित्र है। रावण के चित्र में एक हाथ वेद शास्त्र दिखाए गए हैं। शिव बाबा उसके विद्युरीपी हाथ में वेद शास्त्र हैं, है? है? सार है, सार माने सच्चाई, और बाकी सब झूठा। तो रावण हो या ब्रह्मा हो, दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन है? देहधारी गुरु। देहधारी गुरु जो होते हैं, चाहे वो रावण के रूप में दिखाए हैं, वो कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? है? ईश्वर का ज्ञान सुनाते हैं
या वेद शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं? वेद शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए चार वेद शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में दिखाए। गर्मी के दिनों में ज्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, और ठंडी के दिनों में ज्यादा ठंडी होती है। ये बात वेद में कैसे शूटिंग होती है? पुरुषार्थ की भी ठंडी और गर्मी होती है या नहीं होती है? है? पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, जब पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है तो माहौल पहाड़ों का होता है या मैदान का होता है? है? मैदान का होता है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, बहुत ठंडी हो जाती है, तो ये भी पुरुषार्थ की ऊंचाई है। ऊंचा पुरुषार्थ दिखाते हैं कैलाश पर्वत, तो वहां जो सामान्य पुरुषार्थी पहुंचते हैं तो उनका पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, और तीव्र पुरुषार्थी होंगे तो उनका पुरुषार्थ तीखा हो जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कभी ठंडी पड़ती है, जब ठंडी पड़ती है तो सबका पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, या ज्यादातर का पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्राह्मणों की दुनिया में कैसा पुरुषार्थ हो गया? ठंडी हो गई पुरुषार्थी। ज्ञान सूर्य जब उदय होता है तो उदय होने के समय पर ठंडी होती है या गर्मी होती है? है? गर्मी तो होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी होती है। जब सूरज ऊपर आ जाता है दोपहर ही होती है तो गर्मी बढ़ जाती है, तो दोपहर के 12 बजे कौन से देवता का जन्मदिन मनाया जाता है? राम का जन्म दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है। तो पुरुषार्थ की गर्मी होगी या ठंडी होगी? हैं? पुरुषार्थ गर्म हो जाता है और पार्वती के पिता का नाम क्या था? है हिमांचल, हिमवान, वो हिमाचल प्रदेश के राजा थे, राजा तो थे लेकिन हिमाचल और उसके आसपास ज्यादा बर्फ भी पड़ती है, ज्यादा बर्फ पड़ती है तो पुरुषार्थ जाम हो जाता है या पिघलता है? पुरुषार्थ जाम हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का, पार्वती के बाप का नाम हिमांचल क्यों रखा गया? हिमवान क्यों रखा गया? क्योंकि पुरुषार्थ जाम रहता है, कितनी भी मुरलियां चलती हैं उनके द्वारा, लेकिन मनन चिंतन मंथन चलता है? चलता है? नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बर्फ जमी हुई है।
तो बर्फ जाम है तो पानी पिघलता नहीं है, ज्ञान जल बहता नहीं है। जहां ज्ञान जल बहता है वहां गर्मी होगी या ठंडी होगी? है गर्मी से ज्ञान जल बहता है। और हाँ जी विराट पर्व है, विराट पर्व विराट पर्व माने जहाँ विराट रूप भगवान का दिखाया जाए, छोटा मोटा रूप नहीं। कैसा रूप? जिस विराट रूप में सारी दुनिया का दर्शन हो सकता है। क्या लिख दिया? सुदर्शन चक्र बनाने के लिए बिस्तर भी बना दीजिए। हैं? ये क्या बोला? सोते समय सुदर्शन चक्र का बिस्तर बनाएंगे तो नींद आएगी या नींद उड़ जाएगी? है सुदर्शन चक्र चलेगा या तो नींद आएगी। जहां नींद आती है वहां बुद्धि मनन चिंतन मंथन में चलती है क्या? है नहीं चलती। बाबा अभी जो शिवरात्रि का माउंट आबू जाने का प्रोग्राम निकला है, क्या उसका डायरेक्शन बाबा ने नहीं दिया? अरे कौन से बाबा ने? छोटा बाबा ने या बड़ा बाबा ने? बाबा दो हैं या एक है? दो हैं। तो अव्यक्तवाणी में तो बोला है और मुरली में भी बोला है, दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। तो हुजूम के हुजूम इकट्ठे हो जाएं तो प्रदर्शन का काम होगा या गुप्त राजयोग कहा जाएगा? है प्रदर्शन का काम हो जाएगा। ये प्रदर्शन का काम, प्रदर्शनी वगैरह, ये डायरेक्शन छोटे बाबा ने दिया है या कभी बड़े बाबा ने भी दिया है? छोटे बाबा ने दिया है। प्रदर्शन कौन से धर्म की आत्माओं में ज्यादा होता है? क्रिश्चियन धर्म में। क्राइस्ट और कौन से देवता की राशि मिलाई जाती है? कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। तो कृष्ण क्या करेगा? है क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। तो कृष्ण ने भी प्रदर्शन किया होगा। और महाभारत में विनाश कौन कराता है? किसने महाभारत लड़ाई लड़वाई? है कृष्ण ने लड़वाई। यादवों का हेड कौन है? कृष्ण ही दिखाते हैं। तो हर हर बम बम की नगरी है। जो लोग पूछ रहे हैं कि माउंट आबू जाने का प्रोग्राम कहां से निकला है, वो अपने दिल से पूछें कि हमको डायरेक्शन कहां से मिला? है दिल्ली से मिला या बंबई से मिला? है अगर बंबई से डायरेक्शन मिला है तो बंबई के लिए तो बाप दादा ने वाणी में बोल दिया, बंबई विनाशकारी है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन विनाशकारी भी जो कार्य है वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है?
वो भी कल्याणकारी है। जब तक दुष्टों का विनाश नहीं होता है तब तक जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। जो योगी हैं, जो गोप गोपी हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, वो गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? वो तब ही प्रत्यक्ष होंगे जब दुष्टों का विनाश होता है और रामायण के वाली सुग्रीव का गायन है। तो हाँ हाँ मान लिया ना है, उसका गायन क्या है? अंगद ने रावण की सभा में पांव जमा दिया और चैलेंज कर दिया कि रावण की सभा में कोई हो तो हमारे पांव को हिला के दिखाए। तो रावण की सभा में कोई नहीं निकला, सब अपनी अपनी ताकत लगा के हार गए। बड़ी बड़ी दीदियां, बड़े बड़े दादाएं, बड़ी बड़ी दादियां, बड़े बड़े दादाएं हार गए, शरीर छोड़ करके चले बसे, लेकिन उसका पांव हिलाए नहीं सके। ये एडवांस का ज्ञान ही अंगद का पांव है। इसको हिलाने वाले रावण संप्रदाय के नहीं हो सकते। और सुग्रीव उन्हें कहा जाता है, सु माने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन, गला, गले से क्या निकलता है? आवाज निकलती है। जिसके गले से सुंदर आवाज निकले, अज्ञान की आवाज सुंदर होती है या ज्ञान की बातें सुंदर होती हैं? तो जिन्होंने ज्ञान की आवाज सुनाई लोगों को वो ही राम के मित्र हुए, सुग्रीव, जिन्होंने भगवान को बहुत सहयोग दिया। क्योंकि भगवान को सारी शक्तियां हैं लेकिन मुख गला है, गला है, गला है ही नहीं, इसलिए सुग्रीव नाम सार्थक हो जाता है। और ये साकार मुकर्रर रथ सारी दुनिया को हेवन बनाने वाला है। इसका अर्थ क्या है? रथ जड़ है या रथ चैतन्य है? है? जड़ भी है चैतन्य भी है। बनाने वाला या बिगाड़ने वाला रथ होता है कि रथ में बैठी हुई आत्मा होती है? यहाँ रथ की बात पूछी है या आत्मा की बात पूछी है? है? रथ की बात पूछी है। तो पूछा है कि मुकर्रर रथ सारी दुनिया को हेवन बनाने वाला है, इसका क्या अर्थ है? रथ हेवन बनाने वाला है या रथ में बैठा हुआ रथी भी नहीं सारथी
वो हेविन बनाने वाला है। सारथी जो भगवान बाप है वो सारी दुनिया को हेविन बनाने वाला है। ये बाप दादा तुम बच्चों को ऐसा खिलौना मिला है जो जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? है इसका क्या मतलब है? है अरे जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं। माताएं हैं तो कैसे खेलना चाहेंगी? उसमें भी खास संबंध माताएं कौन सा खेलना चाहेंगी? है बेटा का, बच्चे का संबंध में खेलना चाहेंगी। और भाई है? अरे भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण का सखा कौन दिखाया जाता है? अर्जुन। तो वो पुरुष है या स्त्री है, माता है या कन्या है? पुरुष है। तो भाई किस रूप में खेलना चाहेंगे? है सखा के रूप में खेल सकते हैं। पत्नी के रूप में खेलना चाहे, पति पत्नी के रूप में तो खेल सकेंगे? है अरे खेल सकेंगे? नहीं खेल सकते। क्यों? अरे उसके लिए तो नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं, पति पत्नी बनते हैं। स्त्री पुरुष का चोला चाहिए, लेकिन भगवान गुलजार दादी के तन में भगवान बन के आता है या पुरुष के रूप में आता है? पुरुष के रूप में आता है। तो भाई भी पुरुष और भगवान भी पुरुष, तो पत्नी पति पत्नी का संबंध कैसे चलेगा? संबंध जोड़ने के लिए इंद्रियों का अपना कुछ हिसाब किताब होता है या नहीं होता है? हिसाब किताब होता है। तो ऐसा खिलौना है जो जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं, इसका मतलब समझा कि नहीं समझा? अरे ये पर्चा लिखने वालों ने इसका अर्थ समझा है? माताएं किस रूप में खेलना चाहती हैं? बच्चा मिल जाए कृष्ण जैसा, उसी रूप में खेलना चाहेंगी। भारत की रक्षा के लिए भारतीय सैनिक सरहद पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, सरहद पर ही जान कुर्बान करते हैं। या दुश्मन देश के अंदर आ जाए तो भी जान कुर्बान करते हैं कि भाग जाते हैं? है देश के अंदर आ जाए तो भी जान कुर्बान करते हैं, और सरहद माने सीमा पर हो तो भी जान कुर्बान करते हैं। वेद में सरहद का अर्थ क्या है? वेद में सीमा क्या है? अरे वो तो स्थूल देश को समझते हैं भारत, लेकिन चैतन्य भारत भी तो है।
है? चैतन्य भारत की सीमा है या नहीं है? है? तो सीमा का अगर कोई उल्लंघन करता है, क्या बोला मुरली में, श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। और श्रीमत के बरखिलाफ कोई बात बोलता है तो ईश्वरीय सीमा का उल्लंघन किया या नहीं किया? है, उल्लंघन किया। तो ऐसों का मुकाबला करने के लिए चाहे जान भी चली जाए, है, मुकाबला करने वाला ज्यादा पावरफुल होगा तो उसका मुकाबला कर सकेंगे? है, नहीं कर सकेंगे। तो या तो मर जाएंगे या मार देंगे। मर जाएंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि साथी किसके बने, साथ किसका दिया है? स्वर्ग बनाने वाले का साथ दिया, इसलिए स्वर्ग में ही जाएंगे। और मार दिया तो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे। हरी हर पुत्र अय्यप्पा को बोलते हैं, है? हरिहर किसको बोलते हैं, है? हरिहर किसको बोलते हैं? हरि भी है और हर भी है। हर माने शंकर और हरि माने कृष्ण, किसको बोलते हैं? और कहां ज्यादा अय्यप्पा की मान्यता है? सिर्फ केरला में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में नहीं, आंध्र में नहीं, सारे ही दक्षिण भारत में अय्यप्पा की मान्यता बहुत है, काले कपड़े वाले। तो हरिहर और अय्यप्पा का मतलब क्या है? तो राम और कृष्ण दोनों के गुण जिसमें विराजमान है उसको हरिहर बोला है। और भक्ति मार्ग में अभी नाम दिया है अय्यप्पा। छोटा देखा है? है, जो कैदी होते हैं उनको पुलिस मारती है या राजा आर्डर देता है इसको कोड़े लगाए जाएं, तो कोड़े को क्या कहते हैं? चाबुक कहते हैं। किसी को चाबुक लगता है तो मुंह से क्या आवाज निकलती है? अरे किसी को कोड़ा लगता है, चाबुक लगती है तो मुख से कुछ निकलता है या नहीं? आई, तो जिनके मुख से आई ही निकलता है उनका अप्पा है, बाप है, है? आई, ये मुख से निकलता है। जो जिनके मुख से ये शब्द निकलता है वो अय्यप्पा संप्रदाय के कहे जाते हैं। उन्हें अय कौन याद आता है? अप्पा याद आ जाता है। तो भगवान के बड़े बच्चे का नाम क्या है? अरे शंकर के दो पुत्र दिखाए जाते हैं, बड़े पुत्र का नाम क्या है? कार्तिकेय। कार्तिकेय ने अपने बाप का धर्म निभाया या सन्यास धर्म निभाया? सन्यास धर्म निभाया। बाप को फॉलो किया या नहीं किया? है, नहीं किया।
तो बाप को जिसने फॉलो नहीं किया उसने गलत काम कर दिया या अच्छा काम किया? गलत काम कर दिया। इसलिए मुरली में बाबा जब दूसरे धर्मों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सड़ों के, सबसे ज्यादा ज्ञान के दंडों की पिटाई किसकी करते हैं? इस्लामियों की करते हैं कि बौद्धियों की करते हैं कि सन्यासियों की करते हैं? सन्यासियों की करते हैं। तो अय्यप्पा स्वामी कौन से धर्म का है? सन्यास धर्म का है। अष्ट देवताएं हैं, वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। चार मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और उन चारों दिशाओं के चार कोण भी हैं, कोने, तो कितने हो गए? आठ हो गए। तो उत्तर दिशा का जो देवता है उसको कुबेर कहते हैं, धन का स्वामी। हमारा धन कौन सा है? है ज्ञान धन है हमारा, और ज्ञान धन के आधार पर है जिसमें ज्ञान ज्यादा है उसका योग भी लगेगा या नहीं लगेगा? उसका योग भी लगता है, और योग जिसमें ज्यादा होता है वो सेवा भी ज्यादा करेगा या नहीं करेगा? मन सा सेवा ज्यादा करेगा, और धारणा की सेवा भी करेगा या नहीं करेगा? धारणाएं भी उसमें स्वतः ही अंत में सब आ जाती। तो कुबेर उत्तर दिशा का स्वामी है, रावण से कुबेर की लड़ाई हुई। हुई या नहीं हुई? है। अंतर क्या है दोनों में? है रावण अदिति का पुत्र है, न अदिति का पुत्र है, और कुबेर अदिति का पुत्र है। दिति माने है फाड़ने वाली नहीं, दिति माने जिससे दैत्य पैदा हुए, माने व्यभिचारिणी, उसको कहते हैं दिति। तो व्यभिचार से राक्षस पैदा होंगे या देवताएं पैदा होंगे? राक्षस पैदा होते हैं, रावण पैदा हुआ। और दिति के उल्टा शब्द क्या है? अदिति, जो व्यभिचारिणी नहीं है। अब व्यभिचारिणी है, उसके पुत्र का नाम है कुबेर, वो धन का रक्षक है, ज्ञान धन की रक्षा करने वाला है। और शिव बाबा को साइंस वाले ढूंढ रहे हैं, गॉड पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं। क्या साइंस वाले गॉड पार्टिकल को ढूंढ पाएंगे?
है, ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे है। गॉड सत्य है, शिवम है, सुंदरम है, सत्यम शिवम सुंदरम को कौन ढूंढ पाएगा। जिसके जन्म जन्मांतर कर्मों का लेखा जोखा देखा जाए तो सत्य कर्म भी हो, कल्याणकारी कर्म भी हो और सुंदर कर्म भी हो, तो गॉड के नजदीक हुए या दूर हुए है। नजदीक हुए, जो नजदीक हैं वो पहले ढूंढ लेंगे, और जो असत्य ही सुनाते हैं, जो साइंसदान हैं वो आत्मा के बारे में बताते हैं या शरीर के बारे में, पदार्थों के बारे में, मेटल के बारे में ज्यादा बताते हैं है। शरीर के बारे में बताते हैं, मेटल के बारे में बताते हैं, भौतिकता के बारे में बताते हैं। तो भगवान भौतिकता से परे रहता है या भौतिकता के अंदर रहता है? परे रहता है। तो साइंसदानों से, वैज्ञानिकों से भगवान दूर है या नजदीक है, कैसे साबित होता है? उनके कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कर्म हैं जिनसे साबित होता है कि वो दूर हैं। वो इसलिए दूर हैं कि जो भगवान है वो सत्य ज्ञान तो देता ही है, सत्य ज्ञान है आत्मा का, अध्यात्म ज्ञान देता है, आदिमानी अंदर, आत्मा माने आत्मा, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का कैसे ज्ञान भरा हुआ है वो सारा ज्ञान भगवान देता है। तो सत्य ज्ञान देता है, और साइंसदान भौतिकता का ज्ञान देते हैं, 5 तत्वों का ज्ञान देते हैं, शरीर का ज्ञान देते हैं। तो शरीर विनाशी है कि अविनाशी है? विनाशी सत्य है या असत्य है? विनाशी असत्य है। तो वो असत्य का ज्ञान देते हैं और वो सत्य का ज्ञान देता है। जो सत्य है वो सुंदर होगा या भयभीत करने वाला भौंडा होगा? सुंदर ही होगा। सत्यम शिवम, शिवम माने कल्याणकारी भी होना चाहिए। तो आत्मा का कल्याण भगवान के ज्ञान से ही होता है। जो भौतिकता का ज्ञान है वो कल्याण करता है या एटम बम बना करके दुनिया का विनाश करता है? एटम बम से सारी दुनिया और खुद वैज्ञानिक भी भयभीत हैं या खुश हैं? भयभीत हैं। तो वो भौतिक ज्ञान सुंदर है या भयभीत करने वाला है? भयभीत करने वाला। तो न सत्य है, न सुंदर है, न कल्याणकारी है। इसलिए वो साइंस वाले पर्टिकुलर भगवान कौन है उसे नहीं ढूंढ सकते। वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सकते हैं, लेकिन गॉड पार्टिकल को पहले नहीं जान पाएंगे। किसी ने लिखा है
ब्रह्मा बाबा के मुख से वेदवाणी निकली और शिव बाबा के मुख से उसका क्लेरिफिकेशन निकला। तो गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, परंतु वाणी तो ब्रह्मा बाबा के मुख से भी निकली। किसके मुख से निकली है? ब्रह्मा बाबा के मुख से वाणी निकली या नहीं निकली है? नहीं निकली, निकली। और उन्हें भी शिव बाबा कहा जाता है, कहा जाता है, है? ब्रह्मा को शिव बाबा कहा जाता है। और कहा जाए तो दुनिया में जैसे विष्णु और शंकर की पूजा होती है, ऐसे ब्रह्मा की भी पूजा होनी चाहिए। विष्णु और शंकर की मूर्तियां बनती हैं, चित्र बनते हैं ढेर के ढेर, ऐसे ब्रह्मा की भी मूर्तियां और मंदिर बनने चाहिए। लेकिन बनते हैं? नहीं बनते हैं। अगर भगवान है, शिव बाबा का पार्ट है ब्रह्मा का, तो मूर्तियां और मंदिर बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए, लेकिन नहीं बनती। तो बाबा इस बात को कैसे समझाएं? ऐसे ही समझो। क्या कैसे समझाओ? तीन मूर्तियों में भगवान कौन है और भगवान का सबसे नजदीक सहयोगी कौन है? तीन मूर्तियों में भगवान कौन हुआ है? तीन मूर्तियां कही जाती हैं, तो वो देवताओं की तीन मूर्तियां हैं या मनुष्य राक्षस की तीन मूर्तियां हैं? देवताओं की तीन मूर्तियां हैं। तीन मूर्तियों में देवदेव महादेव किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है या ब्रह्मा को कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। तो शंकर के रूप में ही गॉड फादर शिव प्रत्यक्ष होते हैं और उनके मुख से ही सच्चाई निकलती है, ज्ञान अमृत निकलता है। ज्ञान माने जानकारी। कोई मुख सिर्फ बोलता रहे और जानकारी किसी को कुछ भी न मिले, तो ज्ञान मिला ऐसे कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जैसे माइक है, माइक में से आवाज निकलती है, परंतु माइक से कहो कि वो अर्थ भी समझाए तो समझाएगा? नहीं समझाएगा। ऐसे ही गॉड फादर है, ब्रह्मा के मुख से या रावण के मुख से वेद शास्त्र तो निकलते हैं, शास्त्रों का ज्ञान निकलता है, लेकिन उन शास्त्रों का सार किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। वो वेद शास्त्रों का सार जो समझाए वो ही भगवान है। और रक्षा का बंधन, विकारों से रक्षा का बंधन में जो बांधता है वो रक्षा बंधन। सारी दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई धर्मात्मा हो, महात्मा हो, धर्म पिता हो, कोई भी विकारों से रक्षा नहीं कर सका। एक शिव बाबा ही है जो जिस मुकर्रर रथ में आकर के ब्राह्मण बनकर के राखी बांधता है। काय की राखी? पवित्रता के बंधन की राखी बांधता है, रक्षा करता है, वो ही रक्षा बंधन का अर्थ है।
पहले ब्राह्मण बांधते थे घर घर में जाकर के, बाद में क्या हुआ? बाद में है, बाद में कन्याएं निकली जो घर घर में जाकर के रक्षा की राखी बांधती है, उससे रक्षा होती है कि असुरक्षा होती है? है, घर घर में जाकर के राखी कौन बांधने का धंधा करती है? है, भाई बहनों के घर में जाकर के राखी बांध, बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में बताओ, ब्रह्मा कुमारियां घर घर में जाकर के रक्षा बंधन बांधती हैं कि हम तुम्हारी बहन हैं, हम तुम्हें रक्षा विकारों से करने का रास्ता बताने वाली। ओम शांति।